हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे कम्युनिटी पेज पे पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार कमाल शानदार होने वाली है। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं आपके ही क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन पूछा है कुलवीर कौर ने। तो कुलवीर पूछते हैं यहाँ पे विच कार डू यू हैव और योर फैमिली मेंबर्स हैव, हाउ मेनी फोन्स यू ओन एंड व्हाट यू डू ऑफ द फोन्स यू अनबॉक्स। तो बेसिकली यार जो फ़ोन मैं अनबॉक्स करता हूँ मोस्टली या तो वो कंपनी की तरफ से सेंड किए जाते हैं या फिर मैं खुद परचेज करता हूँ। खुद परचेज करता हूँ तो खुद यूज़ करता हूँ या फिर फैमिली में कोई ना कोई यूज़ करता है। विच हाउ मेनी फोन्स आई ओन, तो बेसिकली जो फोन्स मैं इस टाइम करेंटली यूज़ कर रहा हूँ, दो फोन यूज़ कर रहा हूँ, एक आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ और दूसरा करेंटली यूज़ कर रहा हूँ शाओमी का रेडमी नोट 8 प्रो। एंड हाउ मेनी फोन्स आई हैव ओन, पता नहीं यार, रहे होंगे 15, 16, 17 से के आसपास, मतलब गिने नहीं है कभी, बट इसके इससे ऊपर ही होंगे क्योंकि जब से चैनल स्टार्ट करा है काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स रिव्यू के लिए आए हैं और जो फ़ोन्स यहाँ पे रह जाते हैं मेरे पास वो मेरे पास पड़े रहते हैं, अदरवाइज़ कुछ फ़ोन्स फैमिली में लोग यूज़ कर लेते हैं। पर्सनली मैं ज़्यादा फ़ोन खरीदता नहीं हूँ, सिर्फ वही फ़ोन खरीदता हूँ जिस फ़ोन में मुझे पर्टिकुलरली ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और जो फ़ोन रिव्यू के लिए नहीं आता है तो उन फ़ोन्स को मैं पर्सनली खरीदता हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा फ़ोन्स मैं खरीदता नहीं हूँ। और पर्सनली मैं आईफोन ही यूज़ करता हूँ, चैनल शुरू होने से पहले भी मैं आईफोन यूज़ करा करता था, तो मतलब आईफोन का जो मुझे एक यूआई है वो ज़्यादा फ्रेंडली लगता है, अदरवाइज़ एंड्रॉयड तो बेस्ट है ही, एक हमेशा रहता है मेरे साथ। विच कार डू यू हैव और योर फैमिली मेम्बर्स हैव, तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई एक नहीं कई गाड़ियाँ हैं। पहली तो स्विफ्ट है रेड कलर की, जो मैं आप लोगों को ज़्यादा फ्लॉन्ट करता रहता हूँ क्योंकि भाई वो खुद ने ली थी तो इस वजह से थोड़ा प्राउड होता है कि स्विफ्ट ली थी 2018 में आई गेस, तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ब्रीज़ा है, जीप है, i20 है, तो ये गाड़ियाँ हैं जो फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ मैं स्विफ्ट ही चलाता हूँ, कभी कभी ब्रीज़ा चला लेता हूँ। अगला क्वेश्चन भी कलवीर कौर की तरफ से है, डू यू बाय ऑल द फोन्स फ्रॉम योर मनी, तो इसका मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। हाउ मेनी फोन्स डू यू हैव, प्लीज़ मेक अ अपडेटेड वीडियो ऑन योर सेटअप टूर। और सेटअप टूर का ऐसा है भाई, सेटअप टूर अभी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन हुई है। जब ये पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा या फिर हम कुछ नए रूम में चले जाएंगे, और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ जो ये रूम है इसके बगल में एक वॉल है, इस वॉल को तोड़ के जो बगल वाला रूम है उसको भी अंडर ले लें स्टूडियो के, बट अभी हाल फिलहाल में वो सब नहीं होने वाला, जब होगा तभी आएगा सेटअप टूर। फिलहाल के लिए ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई है इसलिए सेटअप टूर पार्ट टू नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल किडा ने, ये पूछते हैं आस्क पीसी प्लीज़ सजेस्ट बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 रुपीज़ प्लीज़। तो 15,000 रुपये के अंदर करेंटली जो फ़ोन बेस्ट है वो मेरे हिसाब से रेडमी नोट 8 प्रो, पोको X2 और रियलमी 6। सिक्स की बात कर रहा हूँ, प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रो तो घटिया फ़ोन है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आप लोगों को प्रो क्यों नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ कार्ड में मैं आपको ऊपर लिंक कर दूंगा तो यहाँ कहीं से वीडियो आपको पॉपअप हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना। वरद देशपांडे पूछते हैं, आई होप मैंने नाम करेक्टली आपका बोला। वरद देशपांडे बोलते हैं भाई यूट्यूब चैनल 2020 में स्टार्ट करना सही रहेगा या नहीं, इफ़ येस देन ऑन विच टॉपिक। तो टॉपिक तो आपको डिसाइड करना होगा, जो चीज़ आपको पसंद है उसमें स्टार्ट कर लीजिए। और 2020 क्या 2021 22 23 यूट्यूब चैनल आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक साल बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको आप पैशन है वीडियोज़ बनाना और आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। प्रतीक वशिष्ठ पूछते हैं भाई टेक से रिलेटेड वीडियो बनाना ज़्यादा शुरू करो, ना कि पैंट्स में आइस डालने की तभी तुम्हारे वीडियोस देखने में पहले जैसा मज़ा आएगा और तुम्हारे चैनल पे जैसा ग्रो करेगा। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। प्रतीक वशिष्ठ जी, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। लास्ट सैटरडे जो मैंने एक नई सीरीज़ चालू करने की कोशिश करी थी, वो एक कोशिश थी, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि आप लोगों को ज़्यादा एंटरटेन कर पाऊँ, लेकिन वो आप लोगों को नहीं पसंद आया तो फिर मैं आप लोगों के लिए नहीं, मतलब नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं वो कोशिश भी आप ही लोगों के लिए शुरू कर रहा था। जब आप ही लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसलिए मैं उसको डिसकंटिन्यू करके वापस से Q&A और लाइव वाली जो चीज़ हमारी चल रही थी जिसे आप ऑलरेडी पसंद कर रहे थे वही सब मैंने शुरू कर दिया दोबारा, तभी आप लोगों को आज Q&A वीडियो देखने को मिल रही है। और कल संडे है तो कल मैं लाइव आऊँगा, आप और हम मिलकर बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे साथ में। अगला क्वेश्चन पूछते हैं निश्चय, तो निश्चय बोलते हैं आस्क पीसी भाई यार आजकल आप चैनल पे एक्टिव नहीं दिखते हो, रीज़न क्या है? तो रीज़न काफ़ी पर्सनल था, फैमिली के रिलेटेड, फैमिली का भी कोई रीज़न था और कुछ मेरे कॉलेज से भी रिलेटेड चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं अभी साइड बाय साइड, लेकिन अब मैं एक्टिव हो गया हूँ चैनल पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पिछले 2 वीक से ऑलमोस्ट वीडियोस रेगुलरली आ रही हैं और अब आती रहेंगी बिना किसी ब्रेक के और बिना किसी स्टॉप के, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ब्रेक ले चुका हूँ
बट वो चीज़ें भी ज़रूरत ही थी, जैसे सिस्टर की शादी हुई बीच में, वो चीज़ें मैं कभी चैनल पे नहीं बताता हूँ, ना कि आप लोगों से कभी सिंपथी लेने की कोशिश करता हूँ या वो सब, वो मेरे को पसंद नहीं है। आप लोग शुरू से अगर मेरे को जानते होंगे तो वो सब मैं नहीं करता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फैमिली में जो सारी निपट चुकी हैं, अब कुछ नहीं बाकी है, अब सिर्फ YouTube पे कोर फोकस है। तो आई होप आप सभी भी मेरे को प्यार करेंगे पहले जैसा, और वीडियोस तो आती रहेंगी, हर दिन वीडियो आएगी मंडे टू संडे रिपीट पर। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अली ने, ये बोलते हैं व्हाट इज़ योर टिकटॉक अकाउंट। तो भाई टिकटॉक पे मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, टिकटॉक पे भी मेरी टेक रिलेटेड वीडियोस ही जाती हैं ज़्यादातर, या फिर कुछ बिहाइंड द सीन्स वीडियो चली जाती हैं। मेरी टिकटॉक प्रोफाइल मेरे को याद नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहीं कहीं आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यही टिकटॉक अकाउंट है, उस पर भी टेक रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह से हम बात करते हैं। फॉलो करना चाहो तो कर लो, बट ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ वहाँ पे, यूट्यूब पे ही सब्सक्राइब कर लो, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यही मिलेगी। IS टेक गेमर पूछते हैं आस्क हैशटैग PC, तो भाई ने हैशटैग थोड़ा गलत लगाया है। भाई आप अपने खाली टाइम में कौन से गेम्स खेलते हो, प्लीज़ टॉप एंड्रॉयड गेम्स ऑफ द मंथ भी वीडियो बनाओ। तो खाली टाइम में मैं ज़्यादा गेम्स खेलता नहीं हूँ आजकल, बहुत टाइम से गेम्स खेलना बंद कर दिए हैं, लेकिन टॉप एंड्रॉयड गेम्स की जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेल करके चेक करता हूँ। और जब भी खेलता हूँ कुछ खाली टाइम के लिए तो PUBG खेल लेता हूँ या PlayStation पे टेकन खेल लेता हूँ, क्योंकि टेकन मेरी बचपन से ही चाइल्डहुड से ही फेवरेट रही है, तो इसलिए थोड़ी बहुत टेकन खेल लेता हूँ, अदरवाइज ज़्यादा गेम्स खेलता नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है हार्दिक प्रजापति ने, हार्दिक पूछते हैं #AskPC, ये सही हैशटैग है, स्नैपड्रैगन 730G बेटर है या फिर मीडिया टेक का G90T लॉन्ग टर्म रेंज के लिए, मतलब लॉन्ग रेंज के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म में 2-2.5 साल फ़ोन यूज़ करना चाहते हो तो कौन सा प्रोसेसर आपका ज़्यादा साथ देगा। मुझे लगता है दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 730G हल्का सा स्लाइटली बेटर है, ज़्यादा नहीं स्लाइटली बेटर है। G90T भी काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और सस्ते दामों में आ जाता है, जैसे रेडमी नोट 8 प्रो में आ जाता है, तो G90T के भी फ़ोन आप ले सकते हो, 2-2.5 साल आराम से चल जाएंगे बिना किसी कोई इशू के। तो परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों ही प्रोसेसर किलर हैं, आप कोई सा भी फोन ले सकते हो इन दोनों प्रोसेसर में, लेकिन कोशिश करना G90T 14,000 के अंडर मिल जाए तो बेटर है, लाइक रेडमी नोट 8 प्रो और स्नैपड्रैगन 730G 15,000 के अंदर मिले तो ही लेना, लाइक आप लोगों को पता ही है पोको X2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयुष राजपूत ने, ये पूछते हैं इज़ यूट्यूब अ गुड करियर ऑप्शन, प्लीज़ पिक दिस भैया। तो आयुष यूट्यूब गुड करियर ऑप्शन है, लेकिन तभी जब आप यूट्यूब के प्रति सीरियस होकर वीडियोस बनाएंगे, और वीडियोस बनाना कोई खाने का काम नहीं है, टाइम लगता है इसमें अच्छी क्वालिटी वीडियोस बनाने में। तो जी हाँ बिल्कुल अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन आप इसके लिए पढ़ाई मत छोड़िए, कुछ मत छोड़िए, अच्छा वीडियोस बनाइए और देख लीजिए इनिशियल आपका रिस्पांस कैसा रहता है, उसके बाद चीज़ें जैसी रहेंगी वैसे वैसे आप अपने डिसीजन आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। बट यूट्यूब इज़ अ गुड ऑप्शन, यस यूट्यूब इज़ डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछते हैं गॉड्स ये वरुण, तो ये बोलते हैं भाई आपकी गर्लफ्रेंड है तो नेम बताओ, बाय द वे बिग फैन और विश कर दो, मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो वरुण आपको ही नहीं, जितने भी लोगों के एग्ज़ाम्स इस टाइम चल रहे हैं, चाहे बोर्ड्स के हों या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम्स हो, ईयरली एग्ज़ाम्स हो, उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस, सभी अच्छा करो, सभी फर्स्ट आ जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल सभी लोग अच्छा करो और अच्छे नंबरों से पास हो जाओ और नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, और तब भी मेरी वीडियोस आप ज़रूर देखते रहो, मैं यहीं रहूँगा, यहाँ जाने नहीं वाला हूँ अब। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो है नहीं कोई अभी, तो यूट्यूब ही है, गर्लफ्रेंड वाइफ सब कुछ यूट्यूब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया होगा। इस वीडियो में आई होप मैंने कुछ लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, और काफ़ी लोगों के जो सेम क्वेश्चंस थे उनको भी आंसर इन्हीं के थ्रू मिल गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक। मेरा नाम है प्रिंस, जाने से पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कल संडे है और संडे को मैं लाइव आने वाला हूँ अपने चैनल पर, और फिर हम मिल करके बातें करेंगे लाइव में, ऑलरेडी शेड्यूल कर दूंगा ताकि आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए, और हम फिर मिल के बैठते हैं चाय वाय पे और मिल के बातें करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं और क्या कुछ प्लानिंग है मेरी इस चैनल के साथ, और आप सभी उसमें किस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट सैटरडे के लिए वो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, बस प्लीज़ #AskPC ज़रूर लगाना। #AskPC से क्या होता है मेरे को पता जाता है कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा है, अदरवाइज नॉर्मल जो कमेंट होते हैं जिनमें हैशटैग नहीं लगा होता वो कमेंट्स नीचे रह जाते हैं, फिर फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो #AskPC जरूर लगाना, फिर मैं आपके क्वेश्चंस पिक कर लूंगा और नेक्स्ट सैटरडे इसी टाइम आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर दोबारा करूंगा। तो आई होप आप सभी को आज का Ask PC एपिसोड पसंद आया होगा। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।